हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आ रहा है चैनल, और आज फिर से खेलेंगे फार्मिंग सिमुलेटर 19। और आज करेंगे एक जबरदस्त फोर ट्रैक्टर का रिव्यू, जो कि भेजा था तो उन्होंने, यार दविंदर मान ने भेजा था, तो वो चला ही नहीं मोड उनका। तो इतना जो फ्रेम है मैंने यार उनका यूज़ कर लिया है। उन्होंने कहा था रिव्यू कर देना, पर क्या हुआ यार, वो उनके जो भी जितने भी मोड थे, छः पता नहीं 4-5 मोड थे, उनमें से कोई भी मोड नहीं वर्क किया है। सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, उसके बाद ये फोर्ड को मैंने रिप्लेस कर कर तो इसका मैंने हुड यहाँ पे लगा दिया है और टेक्चर वगैरह लगा दिए। तो अभी उन्होंने मुझे भेजा था तो मैंने अभी मॉडिफाइड कर दिया है बॉडी का। मैं उनको ही क्रेडिट दूंगा, बॉडी उनकी है। तो अभी पता नहीं यार उनके उन्होंने बनाया किसी और ने बनाया, जिसने भी बनाया होगा भाई कमेंट में बता देना मैंने बनाया था, तो उनको भी अगली वीडियो में क्रेडिट दे दूंगा। तो और भाई मैप के बारे में बोलना भूल गया था, तो ये है द इंडियन फार्म मैप, जो कि बनाया था द गरीश राजपूत भाई ने। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो पीछे मैंने आपको बताया था ना कि गरीश राजपूत का चैनल का सब कुछ मैंने A to Z उनके चैनल का बताया। अगर आपने नई वीडियो देखी जाके देख लो, और उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये गरीश राजपूत भाई ने मैप बनाया, जो कि इंडियन द इंडियन फार्म, तो इसमें सब इंडिया से रिलेटेड चीज़ें। अगर आपको इंडिया जैसे मैप पसंद है तो ज़रूर डाउनलोड करना। और देखो भाई, डैम वगैरह मंदिर है, ताजमहल है, शिव जी का मंदिर है भाई, बोल देखो ऊपर गणेश का पता नहीं क्या है, तो ये पहाड़ी वगैरह है। तो आज हम इस सुंदर मैप के अंदर करेंगे एक सुंदर ट्रैक्टर का रिव्यू। फोर्ड 3600 रेड एंड ब्लैक शेप में है, कलर में सॉरी। और बाकी तो बॉडी का ही है भाई, जो भी आज रिव्यू है। ये बॉडी देखो कितनी ज़बरदस्त है, और पावर वगैरह तो वो उतनी होगी। तो देखते हैं आज इसकी टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कितना है इसमें दम। तो हम ट्रॉली ले गए इंडियन, और मुझसे अभी कमेंट सॉरी यार, ये तो खांसी हुई है, मुझसे पूछा जा रहा है यार, बार बार पूछा जा रहा है भाई इंडियन ट्रॉली का मोड दो। तो ये इंडियन ट्रॉली है, इसका भी लिंक मिल जाएगा, आज ही दे दूंगा अगर होगा मुझे टाइम तो। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इसमें यार ट्रॉली में, इसी वजह से मैं देता नहीं। तो ये देखो फोर्ड भाई, फोर्ड की साउंड फोर्ड जैसी नहीं है। लाइट साइट भाई जलती नहीं है इनकी, लाइट जल रही है पीछे, तो लाइट साइट सब जलती हैं देखो। चलो इसको लगाते हैं, अटैच करते हैं और डालते हैं इसमें माल, और भीड़ डालते हैं जो जो भी होगा। तो भाई वो तेरी की भाई ट्रॉली देखो भाई, इसी वजह से मैं अभी आपको दे नहीं रहा हूँ ट्रॉली के, जो वेट है ना बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा। तो 1 मिनट हम फील्ड से जो सभी बाय कर लेते हैं एक बार में, इसमें ऑप्शन है क्या मैप में भाई यार। तो अभी फील्ड है जो मैं पूरा मतलब कि मैप का मालिक बन चुका हूँ, मैं कहीं भी जाकर खेती कर सकता हूँ। और इसमें इंडियन ट्रक हैं देखो, इंडियन ट्रक जा रहे हैं अशोका लेलैंड के, टाटा के, जो कि तमिलनाडु में चलते हैं, वो देखो वो ट्रक जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं यार। और कुछ बैनर वगैरह लगे हैं गरीश राजपूत के, 200 मिलियन डॉलर चैलेंज के। अरे लाइट तो जली है मेरे ख्याल से। तो देखो पावर जो इसमें है काफ़ी अच्छी पावर है। 1 मिनट यार, इसको मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे कुछ यार, सही है। तो कल्टीवेटर कर दिया अभी, ट्रैक्टर जो धसेगा ज़मीन में, तो हम थोड़ा सा इसमें यार चेंजेस कर लें, बीट लगा लेते हैं। तो पावर देखो कितनी ज़बरदस्त है इसमें फोर्ड में। अभी उन्होंने मुझे कहा नहीं इसका लिंक देना है नहीं देना है, तो मैं यही बोलूँगा यार उनका मैंने ये यूज़ किया है, टेक्चर यूज़ किए हैं, बाकी तो उनका पूरा मोड था उन्होंने मुझे भेजा, पर चला नहीं यार पता नहीं क्यों। मेरे ख्याल से वो FSN 20 के मोड बनाते हैं, तो कोई एक भी गलती रह जाती है FSN 20 की, जो उन्होंने नहीं चेंज की, तो उस वजह से मोड भी पूरा ख़राब हो जाता है, मोड नहीं वर्क करता है। मैंने देखा जो भी भाई FSN 20 के मोड बनाते हैं, वो FSN 19 में कन्वर्ट तो कर देते हैं, पर कुछ कुछ रीजन की वजह से भाई वो मोड नहीं चलता है। पता नहीं अभी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। FSN 19 से 20 में कन्वर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, पर जब भाई 20 से 19 में कन्वर्ट करते हैं ना मोड, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। तो ये लो भाई ट्रॉली तो जो 30,000 माल खींच रहा है आराम से। और अभी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कल्टीवेटर वेटर करके देखते हैं इसका, यार इस तरफ चलते हैं। तो और भाई देखो कितने ज़बरदस्त स्पीड ब्रेकर लगे हैं बड़े बड़े, ये
मैं यार इस मैप में मुझे कमेंट आते हैं बाप गेम प्ले बनाए, तो दोस्तों बात ये ऐसी है यार, मैं भी बनाना चाहता हूँ पर मेरी इस मैप में गेम है जो काफ़ी लैग करती है। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, बहुत ज़्यादा हैं। अभी इसमें हम लगाएंगे कल्टीवेटर 11 हल देसी, कहाँ है यार ये, तो 12 की स्पीड है, जो भी होगा जितनी स्पीड इसकी हल्की होगी उतनी स्पीड में ये ट्रैक्टर खींचेगा। अभी देखते हैं, फोर्ड है भाई, फोर्ड 3600 नाम तो सुना है, फोर्ड 3600। अभी देखते हैं काम कैसे हैं फोर्ड के। सलेंसर भी भाई रेड हुआ है। एक मिनट यार, इसका तो सिस्टम ही थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसको खोल के लगाना पड़ता है यार। तो ये देखो भाई कणक लगी है, क्या लगाया है भाई, जो भी लगाया है देखो। 11 हल खींच रहा है आराम से फोर्ड अपना भाई, फोर्ड तो फोर्ड ही है यार, सच में बाहर की कंपनी है भाई फोर्ड, कसम से फोर्ड का नाम ऐसे फोर्ड नहीं डाला है किसी ने भी भाई, फोर्ड तो फोर्ड है ना, फोर्ड की गाड़ी आराम से देखो खींच रहा है यार। 10 की स्पीड, 12 की जो टोटल स्पीड थी इसकी कल्टीवेटर की, 10 तक जो स्पीड में जा रहा है, अभी मोड वगैरह काटेंगे तो इसकी स्पीड कम होगी, 9-10 9-10 तो सही है वैसे तो यार, इतना डाउन भी नहीं जा रहा ट्रैक्टर, एकदम ज़बरदस्त चल रहा है और फुल RPM पे इस वक्त, और पहला हाई गियर डाला इसका, गेड़ा है जो कम है अभी, इसको तो खींच लिया है अभी यार, अभी मेरे ख्याल से ये रूटावेटर भी खींच लेगा 10 फुट का। इसमें वेट लगा इस वजह से उठ नहीं रहा, और एक कच्चा रास्ता जा रहा है देखो इधर 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 की तरफ, और हरियाली देखो कितनी ज़बरदस्त है यार, रास्ते में हरा हरा घास लगा है। चलो अभी रूटावेटर के साथ टेस्ट करते हैं इसका, अभी आप देख ही रहे होंगे गेम लैग कर रही है, तो इसी वजह से यार जो मैं नहीं खेलता हूँ गेम, ये मैप नहीं खेलता हूँ, मेरा भी दिल करता है भाई खेलने का, पर जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तब गेम लैग करती है यार पूरी, रिकॉर्डिंग करूँगा लैग करेगी, बिना रिकॉर्डिंग के भी चल जाएगी, जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तब लैग करती है। रूटावेटर से भाई इसका जो आगे से उठ गया, अभी PTO तो घुमा दी इसने यार, एक मिनट लिफ्ट को नीचे रखते हैं। तो रूटावेटर ये काफ़ी है जो यार इसका वेट है यार, कसम से ट्रैक्टर की बॉडी से भी ज़्यादा इसका वेट है, इसका मोड़ ही नहीं कट रहा है भाई देखो। अभी रूटावेटर को PTO ऑन करते हैं, PTO ऑन हो चुकी है मेरे ख्याल से, ट्रैक्टर जो हिल नहीं रहा अभी। अरे यार क्या हो गया इसको, अभी यहाँ पे लगाते हैं तो नहीं यार, रूटावेटर इसने नहीं खींचा है, काफ़ी बड़ा रूटावेटर है आप देख ही सकते हो यार, कोई फ़ायदा तो है नहीं अभी। फोर्ड 3600 भाई, पता नहीं 3600 हॉर्स पावर का, ओ तेरी और तेरी, 3600 हॉर्स पावर का है रूटावेटर है भाई, 200-300-400 हॉर्स पावर का। अभी एक काम करते हैं, डिस्क हैरो खींच के देखते हैं, बड़ी वाली ये वाली फोल्डिंग वाली, तो 15 की स्पीड है, जो भी इसकी ट्रैक्टर स्पीड होगी उसकी स्पीड में चलेगा। लग गए भाई टायर वाली, हेलो टायर लगे हैं देखो, तो इसको पहले अनफोल्ड कर लेते हैं और अपने फील्ड में जाके इसको चलाना ही है बस। लिफ्ट को ऊपर करेंगे एक बार, अब नीचे, लो भाई पूरी दबा के लगा दी हैरो, और आराम से खींच रहा है, 13 की स्पीड में जा रहा है, 13 की स्पीड में जो जा रहा है भागता भागता। एक मिनट यार, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो थोड़ी सी गेम है जो रिलैक्स होके चलेगी, ये देखो थोड़ी सी गेम पे फ़र्क पड़ा। अभी यहाँ पे लगा दूंगा बीट, बैलर ही सही यार, तो अभी थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा, कर भी रहा है, अभी गेम है जो लैग नहीं कर रही अपनी, अगर हम थोड़ा सा इसमें बीट लगा लेते हैं, अभी थोड़ा सा कर रही है भाई लैग। चलो फ़िलहाल इतने की इतनी नहीं कर रही है, ये देखो भाई खींच रहा है आराम से डिस्क कह रहा हूँ, और इसकी हुक कुछ ज़्यादा ऊपर लगी है। अभी इंडियन के मामले में इंडियन ट्रैक्टर तो भाई इंडियन इंप्लीमेंट सभी खींचेगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। रूटावेटर तो भाई 16-17 फुट का है, वो तो नहीं खींचेगा। प्लो देखते हैं प्लो कितना खींचता है, और तेरी की ये क्या चीज़ है यार, ये उल्टी साइड डलता है यार, उल्टी साइड वाला हमें नहीं चाहिए। तो ये इंडियन स्टाइल का प्लो जो कि इंडियन ट्रैक्टर हमेशा खींचते हैं, 15 की स्पीड है इसकी, और 4 प्लो हैं इसके साथ, 3 नहीं हो सकते, तो इतने तो इंडियन ट्रैक्टर खींच लेता है, 1855 खींच लेता है भाई 4 प्लो आराम से, और ये प्लो भी छोटे हैं ना यार देखो, अभी देखते हैं इसमें कितनी पावर है। तो ये तो खींच रहा है यार, जो कि इंडियन इम्प्लीमेंट है सभी खींचेगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये घूमता भी था, घूमता है क्या,
रोटेशन नहीं करता, ये रोटेशन नहीं करता है, बस जिस भी कंडीशन में चलेगा ये। इसके साथ यार जब ट्रैक्टर बेट कुछ ज़्यादा है इसका, आगे बेट लगाया है इसके टायर पे, बेट नहीं लगाया, गलती कर दी हमने, इसी वजह से जो एक दो और टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद टोजन करवाएंगे यार इसका किसी अच्छे से ट्रैक्टर के साथ। और ये देख लेते हैं, ये लगाते हैं इसके साथ, कितने हैं भाई? छः, छः हैं, छः फाड़े हैं बड़े बड़े, तो पता नहीं क्या चीज़ है यार इसकी। मेरे ख्याल से ये जो कमान में घास वगैरह होता है उसको गोडी गोडी करते हैं, गोडी पंजाबी में गोडी जुताई करते हैं, मेरे ख्याल से जुताई बोलते हैं, पता नहीं यार क्या बोलते हैं, वो चीज़ है ये घास वगैरह के लिए अच्छी चीज़ है ये। तो ये भी भाई कल्टीवेटर कर रहा है, तो ये भी सही है यार, देखो 11 हल की जरूरत नहीं भाई, 11 हल की जितनी ये लंबाई है इसकी, और 11 हल का ही मुकाबला कर रहा है। पेड़ देखो भाई, वो कब्रस्तान दिख रहा होगा आपको, कब्रस्तान है वो वहाँ पर, अभी चुड़ैल आपको दिख भी रहेगी ऊपर उड़ती हुई, देखना वो, देखो ऊपर आसमान में, वो आसमान में नहीं भाई पेड़ों के ऊपर देखोगे तो मिलोगे मिलेगी, वो घूमती रहती है बस, कोई शिकार आए और उसको दबोचें और अपना राशन पानी चले। तो लो भाई, इस रोड में ट्रैफिक आता जाता होगा मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे नहीं टोचन करेंगे, उस रोड पे चलेंगे जहाँ पर, ऐसा करते हैं घर पे ही चलते हैं यार, घर कितनी दूर है अपना, घर नहीं दिख रहा है यार यहाँ से, देखो भाई जितनी जगह पे भाग रहा है उतनी जगह पे सत्यानाशी हो रही है फसल की, तो घर में ही चलते हैं यार, घर में हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। अभी ये ट्रैफिक है देखो, बाइक ट्रक वगैरह जा रहे हैं तो क्यों डिस्टर्ब करना है किसी को। और भाई कोठी देखो किसने डाली है इतनी ज़बरदस्त, ग्रीन कलर की डाली है, देखो मार्बल लगाया है लग रहा है। तो इसमें बाकी भाई सब कुछ इंडियन स्टाइल में है, पर जो फसल वगैरह भाई वो यार थोड़ा सा इंडियन स्टाइल में कुछ फसल नहीं है, कुछ फसल बाहर की कंट्री की है, जो भी है मल्टी फ्रूट मैप नहीं है, अगर पता नहीं भाई आगे जाके कर सकते हैं मल्टी फ्रूट। इसका मुकाबला करेंगे किसके साथ? अर्जुन के साथ, अर्जुन 605 फुल मॉडिफाइड, अर्जुन कूनर, कूनर भाई कूनर तो काफ़ी मशहूर ट्रैक्टर था, अभी तो क्रेज खत्म हो चुका है इसका, थोड़ा बहुत बचा है जो भी इसको बनाने में इतना टाइम लग गया था भाई अभी इसमें बैठेंगे भाई जीतेगा, अभी इसमें देखते हैं इसमें बैठ के ये जीतता है क्या भाई। यार इसकी सीनरी इतनी अच्छी है ना मैप की, कसम से मज़ा आ जाता है भाई, एकदम रियल लाइफ जैसा दिखता है यार सब कुछ। अर्जुन को यार थोड़ा सा खिसकाएं आगे, ये हॉर्न सुना सुना लगता है मुझे, सुना सुना लगता है यार, यहाँ पे आके गेम लैग कर रही है देखो, इसी वजह से भाई नहीं खेल पाता हूँ मैं इंडियन, था भाई इंडियन फार्म मैप ये रीजन, और कुछ कोई रीजन नहीं यार, मैप तो काफ़ी अच्छा है, मैं आपको पहले बताया यार कितना अच्छा ज़बरदस्त चीज़ है, पर मेरा जो कंप्यूटर है वो मुझे खेलने नहीं देता है पता नहीं क्यों भाई, इससे तो हिलाव नहीं यार अर्जुन को तो इसके टायर सीधे कर लें अभी भाई, इसकी चौड़ाई भी कुछ ज़्यादा है टायर की ट्रैक्टर की, तो अभी स्टार्ट करते हैं 1 2 3 भाई, रोक दिया अर्जुन कुन्नर को तेरी की, ओ भाई ओ तेरी की, 1 मिनट यार इसको साइड में करें, 1 मिनट यार, यार गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी, आपको दिख भी नहीं रहा होगा अच्छे से, अभी सही है, सूरज की रोशनी उल्टी साइड जा रही है, तो अभी अर्जुन जो नॉर्मल है अभी चला नहीं है, अभी चलते हैं। अर्जुन कुछ ज़्यादा जल्दी उठ जाता है भाई, देखो उठ गया अभी ट्रैक्टर भाई, फोड़ बिल्कुल भी इसको दबने नहीं दे रहा यार, देखो थोड़ा सा झटका लगा ले, मज़ा आ गया यार कसम से, ऐसा टोचन मैंने नहीं कभी नहीं देखा, और तेरी की ले गया भाई, ले गया अर्जुन ले गया, रोक 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 फोड़ उसने क्लच नहीं छोड़ा फोड़ वाले ने, जोर ही लगा रहा है यार,
अभी लगा पूरा जोर, लगा जोर, अभी अभी लगा है, अभी जाके बताओ। मतलब ये अंदाज़ा लगा लो इनमें दो जो पावर है वो भाई बिल्कुल सेम है, पर अगर झटके से मारेंगे तो वो अर्जुन बता ले जाता है भाई, उसकी पिकअप कुछ ज़्यादा ही है। अभी देखना झटके से वो ले जाएगा, ये ले गया, पिकअप बहुत ज़्यादा उसकी यार। उसके बाद जो मर्जी कर लो वो रुकता ही नहीं ट्रैक्टर। अभी तो ये चल नहीं रहा आगे को यार, ये आ गया नीचे 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 नीचे, अर्जुन भी भाई कम नहीं है। इसकी लाइट किसने जला दी यार? अच्छा मैंने जलाई होगी। थोड़ा थोड़ा फोड़ है जो खींच के लेके जा रहा है, आप देख सकते हैं टायर के जो कि निशान से देख सकते हैं। फोड़ को भाई फोड़ ऐसे नहीं बोलते हैं, कुछ तो खास बात है फोड़ में। फोड़ 855 को नहीं लेके जा सकता है, मुझे इतना भरोसा है। तो लो भाई यही था आज की वीडियो में यार, काफ़ी मस्ती कर ली इस बार। तो मिलते हैं जल्दी को नई वीडियो लेके। आज का था ये ट्रैक्टर फोर्ड 3600 का रिव्यू, और मिलते हैं एक और नई आइटम आइटम जैसी ट्रैक्टर को लेके। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।